गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांव की ओर प्रकृति की ओर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं ऐसे ही एक रोचक जगह को दिखाने के लिए जो हमारे बानसूर में रामपुर ग्राम पंचायत में स्थित है और वो कई सालों पुरानी ऐसी बावड़ी जो पहले जर्जर हालत में पड़ी थी लेकिन सरपंच साहब और गांव वालों के प्रयास से आज उसे एक जीर्णोद्धार करके और एक बहुत ही श्रेष्ठ स्वरूप तक लाने का कार्य किया जा रहा है। ये जो बावड़ी की तरफ हम अपनी गांववाणी स्टूडियो की टीम के साथ बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम बावड़ी में एंटर कर रहे हैं तो आपको नीचे तक की ये संरचना दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप आज से 10 महीने पहले की बात करें तो ये मात्र गांव के एक कचरे को इकट्ठा करने का एक कूड़ादान बनी हुई थी, लेकिन सरपंच साहब के प्रयास से आगे आकर उन्होंने खुद ने श्रमदान करके हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, हमारी टीम ने भी यहां जुड़कर और श्रमदान का कार्य किया था। उनके प्रयासों से, गांव वालों के साझे प्रयास से आज ये बावड़ी अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ रही है। अभी इसमें काम और किया जाना शेष है। सरपंच साहब ने अपनी ग्राम पंचायत के साथ साथ बाकी भामाशाहों के सहयोग के लिए भी इसमें प्रयास किए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्ष जो वर्षा ऋतु के अंदर यह बावड़ी लबालब तरीके से भर भी गई थी और गांव वालों के आसपास के जो कुएं हैं उनमें भी पानी का जो जल स्तर है वो ऊपर उठा है। तो इसी प्रकार जो प्राचीन जो जल स्रोत हैं उनके संरक्षण में हम आगे आकर प्रयास करें। एक सरपंच साहब के नवाचार से, ग्रामीण लोगों के साझा प्रयास से आज यह रामपुर की जो बावड़ी है वो अपना वास्तविक स्वरूप ले रही है। आप देख रहे हैं कि इस बावड़ी के बिल्कुल पैंदे की ओर हम अपनी टीम के साथ बढ़ रहे हैं। इसमें पीछे की तरफ एक कुआं भी बना हुआ है जो एक तरीके से पानी को संचित करने का कार्य करता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्राकृतिक रमणीय स्थल जो हमारी आंखों के आसपास हैं, ओझल हैं, हम अपने बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम इस प्रकार की प्राचीन हमारी धरोहर, हमारी जो पुरातत्व विभाग की इस तरह की जो बहुत ही श्रेष्ठ बनी हुई जो बावड़ियां हैं, हमें पता चला कि इस प्रकार की बावड़ी निमराणा में ही है, उसके बाद में सबसे पुरानी बावड़ियों में इस बावड़ी को भी गिना जाता है। यह रामपुर जो ग्राम पंचायत में स्थित यह बावड़ी है, हमने सरपंच साहब के साथ इसका पूरा अवलोकन किया। अवलोकन करने के साथ साथ सरपंच साहब ने बताया कि इस बावड़ी का संरक्षण करने का उनका एक प्रयास गांव वालों के साझा प्रयास से ही हो पाया। यहां नरेगा के माध्यम से भी कार्य किया गया। आप देख रहे हैं कि जहां देख खड़े होकर हम इस फिल्मांकन कर रहे हैं इस शूट को, लेकिन पहले यहां बिल्कुल मतलब एक तरीके से कूड़ा करकट इतना भरा हुआ था, पेड़ उगे हुए थे, अनावश्यक तरह की चीजें यहां पर, इतना हम ऊंचाई तक नहीं जा पाते थे, लेकिन आज बिल्कुल हम इसके पैंदे तक जाकर और आप लोगों को ये शूट करके दिखा रहे हैं। तो हमारा हमेशा गांववाणी स्टूडियो का प्रयास रहता है इसी प्रकार की एक ऐसी धरोहर, ऐसी रमणीय स्थल, ऐसे रोचक तथ्य जो हमारी प्रकृति, संस्कृति, हमारे प्राचीन जो हमारी एक तरीके से धरोहरें हैं उन्हें आप लोगों तक पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। हमारा हमेशा से ऐसा ही प्रयास रहेगा कि आप लोग यहां देख रहे हैं कि लास्ट जो कुआ जो आगे की तरफ इसमें ये बिल्कुल उसका पैंदा है, यहां तक बावड़ी पूरी तरीके से क्लीन कर दी गई है और अब की बार निश्चित रूप से जब वर्षा ऋतु आरंभ होगी और जब पानी इस बावड़ी में आएगा तो कितना लबालब तरीके से बावड़ी भरेगी। ये वास्तविक स्वरूप में जब ये बावड़ी होगी तो इसे देखने के लिए हमारी जो आंखें हैं वाक्य में उसे निहारते हुए हमें एक अजीब अनुभूति का एहसास होगा। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप बानसूर से रामपुर की ओर जाते हैं तो इस बावड़ी को जरूर देखें। अगर आपने हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप भी अगर अपने आसपास इस प्रकार के प्राकृतिक रमणीय स्थल है, ऐसी धरोहरें हैं जो हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो आप भी उन्हें सजोने में अपना सहयोग प्रदान करें, उन्हें संरक्षण का प्रयास करें। और गांववाणी स्टूडियो का प्रयास रहता है कि हम इसी प्रकार की नई नई जानकारियां आप लोगों के साथ साझा करें। तो विदा चाहेंगे और फिर मिलेंगे अगले हफ्ता इसी प्रकार रविवार को आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद।